91.2 NIVH हेलोदून को ट्यून किया है आपने। मैं हूँ हेमा, नमस्कार दोस्तों। इस वर्ष विश्व विकलांग दिवस पर निप वैड में आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया था और इस आर्ट फेस्टिवल में देश के विभिन्न भागों से आए कलाकारों ने निप वैड के प्रांगण की दीवारों पर बहुत ही खूबसूरती के साथ सभी दिव्यांगताओं को दर्शाती हुई कहानियों को अंकित किया है। देखने से सभी पेंटिंग या चित्रकारी की पूरी कहानी समझ में आ जाती है, पर इन्हीं कहानियों को सभी के लिए सुगम्य बनाने की दिशा में एक छोटा सा प्रयास निप वैड के निदेशक प्रोफेसर नचिकेता राउत जी ने किया है और उन प्रेरणादायी कहानियों को रेडियो धारावाहिक के रूप में आप सभी के समक्ष लाने का छोटा सा प्रयास किया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज प्रोफेसर नचिकेता राउत जी से सुनेंगे कुछ ऐसे कवियों की कहानी जिन्होंने दिव्यांगता में दिव्यता को देखने की कोशिश की है और इन कहानियों को सुनकर हमें ये एहसास होगा, साथ ही ज्ञान वृद्धि होगी कि दिव्यांगता में दिव्य क्या है। एक दृष्टिकोण, एक नजर ज्ञान और परिप्रेक्ष्य जो कि भारतीय है, जो कि हर चीज में ये देखने की कोशिश करता है कि ये जो भौतिक जगत है उसके भी बाहर कुछ है, इन अंगों के बाहर भी कुछ है और वही दिव्य है, वही ब्रह्म है जो हर चीज को जोड़े रखता है। ऐसी ही छोटी सी कोशिश सभी को आपस में जोड़ने की है इन कहानियों द्वारा। तो हम आज प्रोफेसर नचिकेता राव जी से सुनेंगे कुछ कवियों की कहानी। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं प्रोफेसर नचिकेता जी का स्वागत करती हूँ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका 91.2 NIVH हेलोदून पर। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि रामनवमी का माहौल है और रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, उसी में मैं एक दोहा सुनाना चाहूंगी। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसे एक। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं किसी विपत्ति यानी किसी बड़े परेशानी के समय आपको ये सात गुण बचाएंगे, आपका ज्ञान या शिक्षा, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। जी सर, अब आप क्या कहना चाहेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में? अगर दिव्यांगता के परिप्रेक्ष्य में हम तुलसीदास जी को देखने की कोशिश करें जी, तो हमारी कोशिश तो कुल मिला के ये बताने की है कि जो भौतिक है, जो दिखता है, इसको जोड़े रखने वाला या इसके बाहर भी कुछ दिव्य है जो कि देखने योग्य या दर्शनीय है। एक तो है दृश्य, दूसरा है दर्शनीय, जो देखने योग्य हो। तो आचार्य तुलसी की अगर आप बात करें तो आचार्य तुलसी के बारे में हम खूब जानते हैं कि पंडित हुए जी, संस्कृत के पंडित हुए, उस समय के उच्च कोटि के ब्राह्मणों में से एक थे और नया ब्याह हुआ था माँ रत्नावली से, गंगा के इस पार माँ रत्नावली और उस पार बाबा तुलसी। बारिश की एक रात थी और गंगा उफान पे थी जी। तो बाबा तुलसी ने सोचा कि बीवी की हो रही है याद हमें और जानी चाहिए। याद इतनी प्रखर थी कि उस तूफान को भूलकर, गंगा में उस उफान को भी भूलकर, वो गंगा में उतर गए और एक मुर्दा के ऊपर बैठकर, एक मरे हुए शरीर के ऊपर बैठकर गंगा पार कर गए। चलते हुए भीगते भागते घर तक पहुंचे, घर वाले जाग ना जाएं, हंसी टिटोरी ना कर लें, इसलिए सोचा कि ऊपर चढ़ जाएं किसी रस्सी के सहारे और पत्नी के कमरे में दाखिल हो जाए सीधा सीधा। तो रस्सी समझकर जिसपे चढ़ गए वो एक सांप था, यानी कि सांप भी नहीं दिखा और बिल्कुल कीचड़ में सने हुए चोटिल पहुंचे भीगे हुए। मां रत्नावली ताज्जुब हो गई देखकर और बड़े व्यंग में बोला कि इसी शरीर के लिए, एक मरे हुए शरीर का सहारा लेकर, एक भुजंग के ऊपर चढ़कर तुम आ गए। इतनी शक्ति अगर इन अंगों के बाहर देखने में लगा लिए होते थे, इन अंगों के बाहर अगर उस दिव्यता को देखने में लगा लिए होते थे तो कुछ का कुछ बन गए होते थे, मुक्ति मिल गई होती थी। ध्यान रखें मुक्ति। हमारा पूरा जीवन या भारतीय पक्ष में जो भी किया जाता है, चाहे कोई गाए, चाहे कोई नाच ले, चाहे कोई चित्र बना ले, चाहे
चाहे कोई युद्ध कर ले अर्जुन के जैसा जी। शर्त सिर्फ यही होती है कि काम यूं किया जाए कि काम करने वाला ना रहे और विमुक्त हो जाए उस काम से, इसलिए कर्म बंधन एक शब्द है ना, उससे पार हो जाए। तो तुलसीदास जी को माँ रत्नावली ने याद दिलाया कि अब तक की तुम्हारी जो कोशिश है ज्ञान बटोरने की या जो जीवन का लक्ष्य है वो इन अंगों में उलझने का नहीं है, क्योंकि ये अंग तो गल जाएगा, इसके बाहर कुछ है दिव्यता, इसे देखने की कोशिश करो। अगर इतनी ताकत राम के पीछे लगा दिए होते थे तो आज विमुक्त हो गए होते थे जी। तो माँ रत्नावली का वो कहना और बाबा तुलसी का वो सुनना और वो अंधेरी काली रात जहां की तूफान उठा हुआ है कुछ कर गया। बाबा तुलसी वहीं से वापस गए और तब से आज तक हम उन्हें याद करते हैं जी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत अंगों में नहीं, उसमें छुपी हुई दिव्यता को उभारने उखाते में लगा दिया। सर एक सवाल आ रहा सर मेरे मन में, हम कहते हैं कि हर किसी के अंदर ईश्वर है, भगवान है, राम माँ रत्नावली के अंदर भी तो थे, अगर उनकी आसक्ति उनमें थी तो क्या गलत था? बहुत सही, राम तो उनके अंदर थे, लेकिन क्या माँ रत्नावली के अंदर के राम को देखने के लिए तुलसी बाबा आए थे या उनके शरीर को भोगने के लिए, ये है बात। तो इसलिए चीज वही है, दृष्टिकोण वही है। आम बात हम कहते हैं ना कि ये 75% भरा हुआ है या 25% खाली है, तो अगर हम भरा हुआ देखने के लिए आए हैं तो बात और है, अगर हम खाली हिस्सा देखकर छाती पीट रहे हैं और रो रहे हैं तो बात और है। आदमी वही, सामान वही, नजरिया अलग। तो भारतीय पक्ष ये है कि हम दिव्यता देखें ना कि अंगों को देखें, इसलिए दिव्यांग शब्द मायने रखता है। सर अभी आपने तुलसीदास की कहानी सुनाई, उन्हीं से मिलते जुलते कालिदास की भी कहानी है जो कि इसी तरह से उनकी पत्नी ने भी उनको धिक्कारा था, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जरूर बताते हैं। दिव्यांगताओं की श्रेणी में एक दिव्यांगता है जिसे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं या मानसिक मंदिता बोलते हैं, है ना। तो हुआ कुछ यूं कि उज्जैन के राजा अपनी बिटिया का विवाह करना चाहते थे, राजकुमारी का विवाह करना चाहते थे। तो बोला राजकुमारी को कि अब सियानी हो चली हो तुम, ब्याह करना है तुम्हारा, कोई विशेष इच्छा? राजकुमारी ज्ञानी थी, उन्होंने कहा कि स्वयंवर रचूंगी और ब्याह उसी से करूंगी जो कि मुझे शास्त्रार्थ में हरा दे जी। ये बोलते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दुर्भाग्य हमारा, मतलब ये तो कम से कम ऐसा नहीं था, बेटी चुनती थी अपने शर्तों में चुनती थी, ऐसा नहीं कहती कि फेयर एंड हैंडसम आदमी चाहिए, ज्ञानी चाहिए कैसा भी हो, लेकिन मुझे हरा दे, मुझसे ऊंचा चाहिए। जाहिर सी बात है हर इंसान अपने से ऊंचा चीज चाहता है ना, बुद्धिमान इंसान अपने से ऊंचे लोगों के साथ रहना पसंद करेगा। तो शास्त्रार्थ हुआ, तो शास्त्रार्थ में उस समय हुआ कुछ यूं था कि कुछ ऋषि आए हुए थे। ऋषि जब आए हुए तो ये शब्द सुनकर उनके मन में भी इच्छा जगी कि राजकुमार से ब्याह ले जाएं, तो तैयार हो गए शास्त्रार्थ के लिए। तो शास्त्रार्थ के लिए बैठे, राजकुमारी ने सवाल पूछे, इनसे जवाब ना देते मना, तो बड़े लज्जित होकर बाहर निकले। और साथ ही साथ राजकुमारी ने ये टिप्पणी भी कर दी थी कि अभी भी मन नहीं भरा, ब्याह करने की सोच रहे, संसार बनाने की सोच रहे, ऋषि का आए गए। तो इन्हें क्रोध आ गया था ऋषियों को ना, तीन चार ऋषि थे, तो गुटबाजी कर लिया इन लोगों ने और बोला कि अपनी बुद्धिमत्ता पे ही इतना गुरूर है राजकुमारी को, इसकी ब्याह तो हम लोग किसी महामूर्ख से करेंगे जी। तो चलते चले जा रहे थे बड़े दुखी मन से, तो देखा रस्ते में एक नौजवान एक पेड़ की शाखा के ऊपर बैठा हुआ है और इधर बैठा हुआ है और इसी शाखा को काटे जा रहा है और खूब गाना गाते काटा जा रहा है, मतलब पूरा भरोसा था कि जो कर रहा है बड़ा उत्तम कर रहा है। तो उसे देखकर ऋषियों ने बोला मिल गया। अब देखिए मौन की शक्ति, कालिदास को नीचे उतारा उन्होंने, आ जा नीचे ब्याह करेगा? कालिदास बोले हाँ बिल्कुल करूंगा, शर्त एक ही है कि चुप रहना। कालिदास बोले हाँ चुप रहेंगे, खाने को अच्छा चीज मिलेगा, रहने को अच्छी जगह मिलेगी और बड़ी सुंदर पत्नी मिलेगी तुमको, ले चले उसको। तो ऋषियों ने बिठाया,
राज दरबार में और राजकुमारी को बोला, पंडित जी शास्त्री जी आए हुए हैं और शास्त्रार्थ करेंगे, पर इनका मौन है, 4 दिन का मौन है। राजकुमारी बोली कि ज्ञान के लिए मुखर होना जरूरी नहीं, इशारे में समझ में आया। तो राजकुमारी ऐसा कहते हैं, पूछी इशारे में पूछे, तो कालिदास भी यूं देखे और बोले, तो ऋषियों ने बोला वाह 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 साधु साधु साधु। राजकुमारी पूछी ये क्या, तो ऋषि बोले कि आपने पूछा 5 तत्व जिससे कि सब कुछ बना है, जल अग्नि आकाश पृथ्वी वायु। कालिदास जी ने बोला सब मिलके वही एक तो ही है जी, इसे तुम कई बोल रहे हो, वो वही सब मिलके एक हो जाता है। राजकुमारी अच्छा, तो राजकुमारी के सामने बिठाए और राजकुमारी बोली कोई बात नहीं, मौन में ही ज्ञान तो मुखर नहीं होता, समझ आती है बात। तो राजकुमारी ने 5 उंगलियां दिखाई यूं हाथ फैलाकर, तो कालिदास देखे उन्हें, राजकुमारी में आंखों में आंखें डालकर देखे, तो बोले इग्नोरेंस इज ब्लिस बोलते हैं ना भाई, अज्ञान तो बिल्कुल भी पता नहीं क्या है। तो देखा, थोड़ी देर सोचा और यूं मुक्का दिखाया उनके तरफ, तो ऋषि बोल पड़े साधु साधु क्या बात क्या बात, उत्तम उत्तम उत्तम। तो राजकुमारी बोली क्या बात उत्तम, क्या क्या बोल क्या रहा। तो ऋषि बोले कि आपने दिखाया 5 तत्व अग्नि वायु आकाश पृथ्वी और जल जिससे सब कुछ बना हुआ है, वही कालिदास जी ने भी इशारे से बताया कि यही सब मिलके तो ये शरीर बनता है, इसी शरीर में सब कुछ एक है और ये शरीर है, मुट्ठी बना के दिखाया। मैं राजकुमारी बोले अच्छा, फिर उन्होंने बोला कि ठीक नहीं, राजकुमारी ने फिर 1 उंगली में दिखाई, कालिदास फिर उन्होंने देखा, हाथ को देखा, राजकुमारी को देखा, ऋषियों को देखा और बोला 2 उंगली दिखाया उन्होंने और आंखों में आंखें डाल के बताया। जितने ऋषि थे वो बोले कि साधु साधु क्या बात है, उत्तम उत्तम उत्तम, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। राजकुमारी क्या बहुत सुंदर, तो ऋषि बोले कि भाई आपने बोला कि ठीक है जो तुम मुट्ठी दिखा रहे हो एक ही ब्रह्म की बात कर रहे हो ना। तो कालिदास बोले कि 2 का इशारा किया और बोला कि हाँ बाकी के साधु इसे द्वैत और अद्वैत में देखते हैं, तो 2 ही धारणाएं हैं ना? इस तरह की कुछ चर्चा चली और राजकुमारी बोली हाँ अच्छा ठीक है। राजकुमारी के प्रश्न का उत्तर दिया 2 उंगली दिखाकर, क्योंकि उन्होंने 1 उंगली दिखाकर प्रश्न किया था, अब उन्होंने 2 उंगली दिखा के प्रश्न का उत्तर दिया। तो 2 उंगली जो आप द्वैत और अद्वैत बता रहे हैं, तो थोड़ा सा उन दोनों में अंतर भी बता दीजिए। जब 2 उंगलियां दिखाया उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि द्वैत यानी कि दिखता तो 2 है लेकिन साधारण आदमी के समझने के लिए अचानक से आप अगर बोले कि एक ही ब्रह्म है तो समझना कठिन है, इसलिए कई साधु बोलते हैं कि द्वैत पंथी है, ईश्वर अलग और भक्त अलग, ये द्वैतवाद हुआ। कई बोलते हैं अद्वैतवादी होते हैं, बोलते सब कुछ एक ही है, देखने योग्य वही ब्रह्म है, 2 देखने की आवश्यकता ही नहीं, 2 देखने में फंसो तो परेशानी शुरू हो जाती है अगर नहीं समझ पाओ तो, इसलिए देखने के ढंग 2 ही है, एक द्वैत एक अद्वैत, लेकिन वो उसी एक चीज को बताता। तो राजकुमार ने जब 1 इशारा किया तो कालिदास ने 2 इशारा किया, साधु ऋषि जितने थे वो उसको परिभाषित कर गए, ये बोल गए कि हाँ देखने के ढंग 2 है तो एक ही, इसलिए द्वैत और अद्वैत बोले। सारे साधु बोले, ब्याह हो गया और सुहागरात की बारी आई, आमने सामने दोनों बैठ गए, ठंड रात थी और दूर उज्जैन का राजा ऊंटों की एक पूरी फ्लीट मंगा रखा था राजस्थान से, ऊंट नहीं मिलते ना मध्य प्रदेश में, तो एक ऊंट रैंका, ठंड में ठंड की आदत नहीं ऊंटों को, जब ऊंट रैंका तो कालिदास का मौन खत्म हो चुका था तब तक, बड़ा खुश था, बड़े खुश से एक अद्भुत तरीके, अद्भुत तो नहीं एक बड़े ही एक नीच तरीके से एक टिप्पणी कर दी उन्होंने, सुनकर राजकुमारी समझ गए कि उसको उल्लू बना गया ऋषि। तो राजकुमार ने धक्के मार के उनको फेंकवाया बाहर, लेकिन वो इतने अपमानित हुए थे उस समय। देखिए कि माताओं का हमेशा एक योगदान और कॉन्ट्रीब्यूशन तगड़ा रहा है, चाहे माँ रत्नावली हो या यहाँ उज्जैन की राजकुमारी, उन्होंने फेंकवाया। कालिदास को होश आया उस ठंड की रात में, बिल्कुल होश आ गया उनको और वो तपस्या के लिए बैठे और इतना कथा कहती है कि इतना
सघन तपस्या उन्होंने किया है, इतना कठिन तपस्या, क्योंकि माँ सरस्वती को आना पड़ा। माँ सरस्वती सामने आई और पूछी कि पूछो क्या, चाह क्या रहे हो? तो कालिदास बोले कि इस तरह से शास्त्रार्थ में हारा हूं मैं, और मैं चाहता हूं कि उज्जैन की इस राजकुमारी को मैं हराऊं। तो माँ सरस्वती उसने आंखों में आंखें डाली और बोली कि भाई जहां तक मैं देख पा रहा हूं, 7 जन्मों तक विद्या नहीं है तुम्हारे हाथ, तुम मतलब इतने नीरे मूर्ख हो तुम कि भाई क्या मैं करूं तुम्हारे साथ। तो कालिदास साहब बिल्कुल साष्टांग पड़ गए, बोले कि नहीं मैं तो जाऊंगा नहीं, इतना अपमानित हुआ। तो माँ सरस्वती बोली चलो कोई बात नहीं। तो ऐसा कथा कर दी कि 7 बार उन्होंने निगल के उगल दिया उसको, तो अब पैदा हो गया ना 7 बार वो। तो कालिदास को 7वीं बार में ज्ञान आ गया। अच्छा, 7 जन्म ले लिया। 7 जन्म ले लिया, 7 बार उगल के निगल दिया माँ सरस्वती ने, तो अब माँ बन गई उनकी, पैदा कर 7 बार उगल के निगल दिया। तो अब कालिदास बिल्कुल सिद्धासन में बैठे हुए हैं, एक तेज आ गया उनमें, एक ज्योति आ गई, माँ सरस्वती की कृपा हो गई उन पर। तो उन्होंने अपना पहला सूत्र लिखा था माँ सरस्वती के बारे में कि उनके केश कैसे हैं, उनकी आंखें कैसी हैं, उनके फिर ऊपर से नीचे तक पैरों तक लिख के ले गए। माँ सरस्वती ने सुना और बोला कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन हड़बड़ी सी हो गई, मैं तुम्हारी माँ हूं, वर्णना नीचे से ऊपर तक होना चाहिए, पैरों से शुरू होना चाहिए, आंखों से नहीं। तो इसलिए सब कुछ तो ठीक रहेगा, पर जिस अहंकार में और जिस इच्छा में तुमने ये ज्ञान प्राप्त किया कि उज्जैन में हरा दोगे उज्जैन की राजकुमारी को, तुम सब जगह जीतोगे पर उज्जैन की राजकुमारी को नहीं हरा पाओगे। तो ये प्रतिस्पर्धा के तौर पर वो ज्ञान अपने में सही नहीं, तो वो सही नहीं, वो सही नहीं है। तो वो इशारा भी कर दिया गया, यहाँ एक मानसिक मंदित व्यक्ति भी एक ज्ञानी बन सकता है। भागवत में नहीं बोलते हैं 11:1 श्लोक शायद, मुकम करोति वाचालम, जो मुख होता है वो वाचाल हो जाए, पंगुम लंघयते गिरिम, इसका पैर नहीं है वो गिरी भी चढ़ जाए, यत कृपा तमहम वंदे, अगर आपकी कृपा हो जाए, परमानंद माधव, वो जो आनंद देने वाला माधव है, क्योंकि लक्ष्मी वो अपने हक में रखता है, वो उसकी अगर कृपा हो जाए। ऐसी कृपा हुई थी तो माँ सरस्वती की कृपा हुई थी, तो कालिदास कई तरह के शास्त्र लिखे, ऐसा कहते हैं कि वापिस वो उज्जैन गए और चुप कर देख रहे थे, शाम का वक्त था और राजकुमारी बैठी थी अपनी सखियों के साथ, थोड़ी दुखी थी क्योंकि अब ब्याह होकर भी अलग हुई थी जी। तो एक कमल का फूल ऐसा हिलता हुआ दिख रहा था, तो राजकुमारी पूछती है अपने सखियों से कि ये कमल का फूल हिल क्यों रहा है ऐसे, हवा तो नहीं चल रही। तो सखियां कुछ बोल नहीं पाती, कोई कुछ बोलता कोई कुछ बोलता, फिर भी कमल का फूल हिल रहा है ऐसे। तो संस्कृत वाला श्लोक मैं भूल जाता हूँ, मेरे नाना जी का लिखा हुआ एक उड़िया का है जिसमें वो बोलते हैं कि दारू भेद क्षमो भ्रमर, मतलब कि जो लकड़ी में छेद करने वाला जो भ्रमर होता है, पसी कमल कोड़े, मतलब कमल के अगर अंदर वो घुस जाता है, पासोरे आपोणा विक्रम, अपना विक्रम अपना ताकत वो भूल जाता है, प्रेम मोहन भले, मतलब अपने प्रेम के वशीभूत होकर वो अपना ताकत भूल जाता है, अगर वो कमल में फंस जाए तो उस कमल के अंदर भ्रमर एक रहा होगा परागों में और उस मद में उलझ गया होगा, शाम हो गई पता नहीं है, अब कमल बंद हो जाता है ना शाम होते होते, अब बंद हो गया इसलिए वो छटपटा रहा है अंदर, लेकिन वो। तो ये श्लोक संस्कृत में कालिदास का लिखा हुआ, बड़ा सुंदर, वहां से कालिदास ने ये बोला। तो राजकुमारी चौंकी, ये ऐसा बात कौन बोल गया। तो देखती है फिर उसके बाद तो कई चीजें हैं, लेकिन अगर कृपा हो माँ सरस्वती की तो कोई भी दिव्यांग, चाहे वो मानसिक दिव्यांग हो, वो भी एक अच्छा, सरस्वती जिस पे मेहरबान हो, बिल्कुल कोई भी दिव्यांगना आड़े नहीं आती, आड़े नहीं आती, और कृपा की आवश्यकता होती है उसमें। ये रही कालिदास की बात।